हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज। एटॉमिक स्पीशीज कितने कितने टाइप्स की होती हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो देखेंगे कितने टाइप की एटॉमिक स्पीशीज होती है। जैसे आइसोटॉपिक स्पीशीज, आइसोबार, उसके बाद आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायफर्स और आइसोस्टर्स। ये कुछ डिफरेंट टाइप के एटॉमिक स्पीशीज और इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स और आइसोबार, ये सब चीज़ें जो हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी न्यूट्रल एटम में कितने, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और मास नंबर का मतलब किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है, दैट इज कॉल्ड एज मास नंबर। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स के बारे में समझें, तो आइसोटॉप्स का मतलब द स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, द स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटॉप, या आइसोटॉप स्पीशीज भी कह सकते हैं। तो द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें सेम एटॉमिक नंबर्स हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास हो, उसे आइसोटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप। द स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, मीन्स उसमें जो जेड की वैल्यू होती है वो सेम हो सकती है लेकिन ए की वैल्यू जो होती है, एटॉमिक मास की वैल्यू होती है, वो डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल जो है उससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए जैसे हाइड्रोजन जो होता है H11 होता है, H12 होता है और H13 होता है। तो देखिए इन तीनों में एटॉमिक नंबर सभी के सेम है, इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें भी वन है, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास अलग है। इसका मतलब तीनों की तीनों स्पीशीज क्या कहलाएंगी? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में समझे तो आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। कैसी होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो कैसी होती है? सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस भी कैसी होती है? सेम। हम लिख सकते हैं इसके बारे में, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो भी कैसी होती है? सेम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो सकती है, और क्या सेम हो सकता है? जो एटॉमिक नंबर है इज सेम, एटॉमिक नंबर सेम, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं? सेम। सीधी सी बात, लेकिन डिफरेंट जो है, डिफरेंट क्या है? दैट इज एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इज डिफरेंट, एटॉमिक मास जो है वो क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। और इवन कह सकते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? डिफरेंट होती है। ये बात भी आपको याद हो, ये जो कॉन्सेप्ट दैट इज डिफरेंस, डिफरेंसेस का मतलब इसमें एटॉमिक मास इन सभी में अलग अलग मिलेगा, इन सब के फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन जो सिमिलरिटीज मिलेगी वो क्या होगा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, एटॉमिक नंबर सेम होगा, और इवन कह सकते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होगा? सेम हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज आइसोटॉप्स, ठीक है। तो आइसोटॉप का मतलब समझ में आया होगा, द स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटॉप, ठीक है। द स्पीसीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic mass is known as isotopes कह सकते हैं। isotope के बारे में आपको समझ में आ गया isotopes क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं next species के बारे में, that is known as isobars। isobars is the second species। इसके बारे में अब हम समझते हैं क्या होता है। तो ऐसी भी species जिसमें atomic mass तो similar हो, क्या similar हो? atomic mass similar हो। तो the species in which
एटॉमिक मास इज सेम, एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट इज नोन एज आइसो, इसे क्या कह सकते हैं, आइसोबास कह सकते हैं, मतलब द स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसी स्पीशीज में एटॉमिक मास तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोबास, क्या कहोगे बेटा इसको, आइसोबास कहो, ये बात आप याद ना, आइसोबास के बारे में बात हो रही, तो आइसोटॉप्स पहले हो चुका है, अब बात किसकी कर रहे हैं, आइसोबास की, तो आइसोबास का मतलब क्या होगा, द स्पीशीज इन विच द एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट इज कॉल्ड एस आइसोबास, इसे क्या कहोगे, आइसोबास कहोगे, आइसोबास समझ में आ गया, जिसमें एटॉमिक मास तो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दैट इज आइसोबास, ठीक है, आइसोटॉप का जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है, देखें तो कुछ एग्जांपल्स इसके सेक्शन के हम समझ लेते हैं, एग्जांपल्स में जैसे कि हमारे पास पोटेशियम 1940, ठीक है, इसके साथ कैल्शियम 2040, ठीक है, आर्गन जो होता है 1840, ठीक है, इस तरीके से आर्गन जो होगा वो कितना होगा 1840 होगा, इस तरीके से आप देखिए तो पोटाशियम कैल्शियम आर्गन तीनों में एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास देखो तीनों में सेम है, एटॉमिक मास सब में क्या है, सेम है, कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं दे हैव सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है, सेम, एटॉमिक मास क्या है, सेम, लेकिन क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट क्या होगा इसमें, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो वो भी कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, इस तरीके से हम कह सकते हैं दे हैव डिफरेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, कह सकते हैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसमें डिफरेंस होंगे, और इवन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी कैसी होती है, केमिकल और फिजिकल दोनों की दोनों डिफरेंट मिलेंगे, केमिकल एज वेल एज फिजिकल, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है बेटा, डिफरेंट हो, ये बात याद रखनी है, क्या क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होती है, सेम एटॉमिक मास क्या हो सकता है, एटॉमिक मास सेम हो सकता है, दैट इज अ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप समझ में आ गया, तो इस तरीके से हम आइसोटॉप्स के बारे में समझ सकते हैं, और एग्जांपल हम आइसोटॉप का समझे जिसमें ऐसा सेक्शन हो सकता है, तो आइसोटॉप्स और कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे टेलुरियम, कैसे क्या होगा, टेलुरियम, टेलुरियम के बारे में बात कर, टेलुरियम जो होता है टी, टेलुरियम का एटॉमिक नंबर 52 होता है, इसका एटॉमिक मास 130, ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं ज़ीनॉन, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, एटॉमिक मास कितना हो गया 130, इसके साथ हम बेरियम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बेरियम, बेरियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 56 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 130, इसमें देखो तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग, 52 इसका है टेलुरियम का, ज़ीनॉन का 54 है और बेरियम का 56 है, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास क्या है सेम, तो ये भी क्या होंगे आइसोबास होंगे, ये भी क्या होंगे आइसोबास, इस तरीके से आपको आइसोबास के बारे में समझ में आएगा, आइसोबास में क्या सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोबास, इस तरीके से आपको आइसोबास के बारे में समझ में आएगा, आइसोबास क्या होते हैं, द स्पीशीज इन विच एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, दैट इज आइसोबास, आइसोबास के बारे में समझ में आ गया होगा, आप चलते हैं तीसरी स्पीशीज, दैट इज आइसोटोन्स, तीसरी स्पीशीज क्या है आइसोटोन्स के बारे में हम समझते हैं, तो थर्ड स्पीशीज है दैट इज नोन एज आइसोटोन्स, तो थर्ड स्पीशीज आपको दिखाई दे रही है दैट इज नोन एज आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब क्या होगा, जिसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो तो सेम होंगे पर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर क्या हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो द स्पीशीज आइसोटोन्स में क्या होगा, द स्पीशीज
इन विच, द स्पीशीज इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम बट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट इज नोन एज आइसोटोन्स। इसे क्या कह सकते हैं, आइसोटोन्स, मतलब ऐसी स्पीशीज के अंदर जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो सेम आ जाए, न्यूट्रॉन सेम आ जाए, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, दैट इज नोन एज आइसोटोन्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, आइसोटोन कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स जो है, देखिए एग्जाम्पल्स में है, जो एग्जाम्पल्स जो है ना उससे हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि आइसोटोन्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि कार्बन होता है 613 और हम कह सकते हैं नाइट्रोजन क्या हो सकता है 714। इसमें समझते हैं, देखिए कार्बन जो है इसमें अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने तो आपको पता है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो अगर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू इसमें कार्बन निकालें तो कितना होगा बेटा, 13 में से 6 गए, ठीक है कितने होंगे 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए 7 आए, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आए 14 में से 7 गए तो कितने बचे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए 7। इसका मतलब दोनों के अंदर न्यूट्रॉन सेम है लेकिन एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सब कुछ डिफरेंट है। इसका मतलब ये स्पीशीज क्या कहलाएगी, आइसोटोन्स कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आइसोटोन्स कहला सकती है। और एग्जांपल देखो जैसे हाइड्रोजन 1 3, अभी बताया थोड़ी देर पहले आइसोटोप्स में, और होता है हीलियम 2 4, हीलियम 2 4। इसमें देखिए अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने तो क्या होगा, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर माइनस का 3 में से 1 गए तो कितने बचे न्यूट्रॉन 2, यहाँ पे 4 में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 4 माइनस 2 कितने बचे 2। इसका मतलब दोनों में न्यूट्रॉन सेम है, इसका मतलब दोनों स्पीशीज क्या कहलाएगी, आइसोटोन्स कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आइसोटोन्स। ये भी दोनों स्पीशीज क्या कहलाएंगी, आइसोटोन्स कहलाएंगे। इसका मतलब आइसोटोन्स जो होते हैं उसका क्या मतलब होगा, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सब कुछ डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोन्स, जिसे क्या कहेंगे आइसोटोन्स। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सिर्फ सिमिलर क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोन्स। समझ में आ गया होगा आपको आइसोटोन्स क्या होते हैं और कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द थर्ड स्पीशीज दैट इज आइसोटोन्स कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, कौन सी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा आइसो वर्ड का एक कॉमन मीनिंग हमारे सामने आया, दैट इज सिमिलर, आइसो का मतलब होता है सेम या सिमिलर्स कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए आइसो वर्ड हम यहाँ पे यूज करें। अब करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, द स्पीशीज इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर इसमें कंसिडरेट नहीं होता, इसमें सीधी बात आती है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे सेम होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है दैट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आइसोटॉन्स में सिर्फ आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यही पढ़ना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब द स्पीशीज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम होंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है ओ टू नेगेटिव, ओ टू नेगेटिव और F नेगेटिव, मैं कहूँगा दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, टोटल नंबर एटॉमिक नंबर 8 है और इसमें क्या होगा 2 माइनस मतलब प्लस, दो इलेक्ट्रॉन्स में ऐड हुए तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 10। इसमें देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9, तो एटॉमिक नंबर 1 माइनस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। इसका मतलब ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या होंगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह सकते हैं। ऐसे नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 10, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 10, तो ये भी क्या होगा एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और इवन हम कह सकते हैं N3 नेगेटिव, नाइट्रोन 3 नाइट्राइड जिसे कहते हैं, तो N3 नेगेटिव इज आल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन देखे तो 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 प्लस 3
टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10, तो ये भी क्या होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इसमें सेम नंबर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या कहेंगे बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और एग्जाम्पल देखो इनके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के और एग्जाम्पल्स, जैसे कि भाई हमारे पास है एन टू, हम कह सकते हैं एन टू ओ, क्या हो सकते हैं एन टू ओ। और एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं हमारे पास सी ओ टू, और एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं सी एन ओ नेगेटिव। ये तीनों के तीनों क्या हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे समझेंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और दो का कितना हो जाएगा 14, और 8 कितने हो जाएंगे 22, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2O में कितने हो जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 का डबल 16 और 6 जोड़े कितना 22, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इसमें कितना है 22 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है दैट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है दैट इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसे क्या कहोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहोगे। समझ में आ गया, तो यहाँ तक आके आपको आइसोटॉप समझ में आ गए, आइसोबार समझ में आ गए, आइसोटोन समझ में आ गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझ में आ गए। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोडाइफर्स और आइसोस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए बेटा बात करते हैं आइसोडाइफर्स में, आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स में क्या होता है जो एक नंबर होता है आइसोटॉपिक नंबर वो क्या होगा सेम होगा, ठीक है। आइसोडाइफर्स के बारे में समझें तो आइसोडाइफर्स का मतलब द स्पीशीज इन विच द आइसोटॉपिक नंबर इज सेम, आइसोटॉपिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर और एंड एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोडाइफर्स। अब बात आती है इसमें आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है। आइसोटॉपिक नंबर का मतलब होगा कि आइसोटॉपिक नंबर मीन्स क्या होगा a माइनस टू जेड दैट इज आइसोटॉपिक नंबर। इसे आइसोटॉपिक नंबर कहते हैं, मतलब एटॉमिक मास माइनस डबल ऑफ एटॉमिक नंबर, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू आइसोटॉपिक नंबर के, मतलब एटॉमिक मास माइनस टू जेड दैट इज इक्वल टू आइसोटॉपिक नंबर के इक्वल। जैसे कि एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं यूरेनियम 92 और 235, इसके साथ होता है बेटा थोरियम, इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, कितना होता है 90, इसका एटॉमिक मास होता है 231, कितना होता है 231। ये दोनों आइसोडाइफर्स है, क्या ये आइसोडाइफर्स कैसे हो सकते हैं, देखो आइसोटॉपिक नंबर्स में फाइंड आउट करना है कैसे करेंगे, ये एटॉमिक नंबर होता है और ये एटॉमिक मास, मतलब ये ए होता है और ये क्या होता है जेड होता है, इस इन फॉर्मूले के हिसाब से आइसोटॉपिक नंबर में फाइंड आउट करना है। देख कैसे करेंगे, 92 का डबल, ठीक है 9 2 18 और 4 कितना 184 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2Z, जो 2Z की वैल्यू है इन केस ऑफ यूरेनियम कितना आएगा 92 into 2 2 2 4 2 9 18 184 हो गया, कितना हो गया 184, एटॉमिक मास कितना है a is equal to 235 इन केस ऑफ यूरेनियम। अगर हम 235 में से 184 माइनस करते हैं कितना 180, तो 5 में से 14 गए तो 1, 13 में से 8 गए तो कितने बच गए 5 और आगे 0 तो 51, तो आइसोटॉपिक नंबर इन केस ऑफ यूरेनियम कितना आया 51 है, दैट इज इक्वल टू 51। और सेम वैल्यू इसमें आएगी, सेम वैल्यू इसमें भी आएगी थोरियम में भी, कैसे कर सकते हैं देखिए, तो हमें पता चल गया इसमें जो आइसोटॉपिक नंबर जो आया वो कितना आया 51 इन केस ऑफ यूरेनियम। लेकिन थोरियम के बारे में बात करें तो जो 2Z की वैल्यू है, किसकी वैल्यू 2Z की वैल्यू कैसे करेंगे 2 into 90 अब कितना होगा 180 हो गया, और ए कितना है भाई 231, अगर हम करें तो आइसोटॉपिक नंबर तो 231 में से 180 माइनस करते हैं 180 माइनस करते तो 1
और यहाँ आ गया 5 और यहाँ 51। इसमें आइसोटॉपिक नंबर कितना है 51। इसका मतलब दोनों में आइसोटॉपिक नंबर सेम है, इसका मतलब ये क्या होंगे आइसोडायफर्स। क्या होंगे बेटा आइसोडायफर्स कह सकते हैं, समझ में आ गया, दैट इज नोन एज आइसोडायफर्स। और एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास है मान लो पोटाशियम 1939 और फ्लोरिन 990s, these are also known as isodiphos, these are also known as isodiphos, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं isodiphos। इसमें जो isotopic numbers है दोनों में क्या आते हैं सिमिलर आएंगे, इस तरीके से हम कह सकते हैं isodiphos क्या होंगे, जिसमें जो isotopic numbers, बस आपको isotopic number find out करना आना चाहिए, isotopic जो number अगर आपने find कर लिया उसका formula आपको याद रखना है क्या होगा A-2Z, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आइसोटॉपिक नंबर्स निकाल सकते हैं और इससे हम कह सकते हैं आइसोडायफर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आइसोडायफर्स। समझ में आया आइसोडायफर्स क्या होते हैं। अब चलते हैं लास्ट स्पीशीज, दैट इज आइसोस्टर्स, किसके बारे में बात करते हैं, लास्ट स्पीशीज दैट इज नोन एज आइसोस्टर्स, किसके बारे में बात करेंगे आइसोस्टर्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट स्पीशीज होती है आइसोस्टर्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम हो। आइसो जो ये हमारे पास आइसोस्टर्स द स्पीशीज इन विच द नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम is known as isostar. Number of atoms or number of electrons दोनों similar, that is called as isostars. कैसे इनकी physical chemical properties क्या होते हैं different हो सकती है, लेकिन इनमें number of atoms और number of electrons क्या होंगे same हो सकते हैं। Example point of view से समझते हैं, जैसे example समझते हैं हम, इसमें examples देखो बेटा N2 और दूसरा example होगा CO, ये दोनों isostars है। कैसे, अगर इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नाइट्रोन में 7 एटॉमिक नंबर था, इलेक्ट्रॉन्स कितने 7 का डबल कितना 14, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 14 इलेक्ट्रॉन्स, कितने आ गए भाई 14। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कार्बन के 6 होते हैं ऑक्सीजन के 8 और 6 कितने हो गए 14, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी कितने आ गए भाई 14, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स सेम है। नंबर ऑफ एटम्स, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, इसमें नंबर कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें भी कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स, ये भी कितने हो जाएंगे 2। तो ये दोनों के क्या है आइसोडायफर्स, कैसे क्या कह सकते हैं आइसोडायफर्स कैसे। और एग्जांपल देखो, जैसे CO2 और N2 दोनों आइसोडायफर्स हैं। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स केवल देखो कार्बन में 6 होता है, ऑक्सीजन में कितना 8 का डबल 16 और 6 कितने हो गए 22, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितना है 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसमें बात करें नाइट्रोजन का 7 और 14 और 8 कितने हो गए 22, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ गए 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और एटम्स देखें, नंबर ऑफ एटम्स देखें तो कितना होगा 1 और 2 3, नंबर ऑफ एटम्स में 3 आए, इसमें नंबर 2 और 1 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स वो कितने होंगे 3। इस तरीके से हम आइसोस्टर्स के बारे में समझ गए। तो आइसोस्टर्स का स्टर्स का मतलब क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, दैट इज आइसोस्टर्स। इस तरीके से आइसोटॉप समझ में आए, आइसोबार समझ में आए, आइसोटोन समझ में आए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आए, आइसोडायफर समझ में आए और आइसोस्टर्स, दैट इज आ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीशीज। एटॉमिक स्पीशीज के बारे में आपको समझ में, एटॉमिक स्पीशीज क्या होती हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से सभी कर लेंगे, ठीक है समझ में आए। तो ये है यहाँ पे आके आइसोटॉप और आइसोबार्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट टाइप की जो एटॉमिक स्पीशीज, इसके बारे में यहाँ पे आके टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।